इंदौर के व्यापारी के साथ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की 5 दिनों की ट्रांजिट रिमांड समाप्त हो गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्क्रीनशॉट और बातचीत के कॉल रिकॉर्डिंग बरामद की है, तो वहीं उसके भाई की भी तलाशी की जा रही है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच राजेश ढंडोतिया के मुताबिक विवेक ट्रेडिंग और अपरवाइजर को ब्रोकर के जरिए दुबई की कंपनी स्टार कमोडिटी द्वारा 30 कंटेनर बासमती चावल की टुकड़ी भेजने का ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद इंदौर के व्यापारी प्रवीण जिंदल द्वारा गुजरात के पोर्ट से 30 कंटेनर चावल की टुकड़ी रवाना की गई, जिनमें कुछ कंटेनर अफ्रीका के पोर्ट पर उतारे गए तो वहीं बाकी बचे हुए कंटेनर दुबई के पोर्ट पर उतारे गए थे। लेकिन कंटेनर भेजने के बावजूद भी स्टार कमोडिटी से जुड़े हुए नितिन राणा और नीरज राणा द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। इसके बाद बिल क्लियरेंस नहीं हो पाया और कंटेनर पोर्ट पर ही रोक लिए गए थे। पूरे मामले में क्रिमिनल ने जांच के बाद में प्रकरण दर्ज किया और फिर नितिन राणा पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर आया तो उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने तमाम दस्तावेजों के आधार पर रिमांड पर ले लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद 5 दिन का रिमांड आज समाप्त हो चुका है और उसके चलते अब पुलिस दोबारा से उसे न्यायालय में पेश कर रही है। पुलिस का कहना है कि 5 दिनों के अंदर नितिन के पास से कई स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग सहित बिल से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए और भी पूछताछ की जा रही है। ये एक क्राइम ब्रांच में एक 2023 में केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें प्रवीण जिंदल फरियादी है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनके जो 30 कंटेनर थे जो कि दुबई के लिए रवाना हुए थे, दो अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के एयरपोर्ट पर, दोनों जो सेनेगल एयरपोर्ट है और एक अन्य एयरपोर्ट, दो एयरपोर्ट पर उतरने थे। उतरने के बाद पूरा क्लियरेंस होता है, तो जब उन्होंने पैसे की मांग की सामने वाली पार्टी से जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो ओमकार इंडस्ट्री के स्टार इंडस्ट्री के जो नीरज राणा और नितिन राणा दो लोग थे, जब इनसे पैसे मांगे तो नितिन राणा ने जो फर्जी शिफ्ट जो रसीदें होती हैं, पेमेंट रसीदें भेज दी थी, इस पर से इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था और इसमें लगभग 3.25 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ से 3 करोड़ रुपए का इसमें ये जो पूरा ये धोखाधड़ी का मामला है और इसमें लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। तभी एक आरोपी नीरज राणा अमृतसर जब उतरा एयरपोर्ट पर, तत्काल ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसको हिरासत में ले लिया गया और क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई। क्राइम ब्रांच उसको लेकर आई। अभी क्राइम ब्रांच ने उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जिससे उसको 5 दिन की रिमांड मिली, जो रिमांड आज खत्म हो रही है और उसमें उससे पूछताछ की गई। उससे काफ़ी एविडेंसेज मिले हैं, जिसमें चैट हिस्ट्री भी, चैट भी मिली है, इसके अलावा कुछ उनके मोबाइल्स में जो बातचीत होती है वो भी मिली है और कुछ रसीद भी मिली है, जो डिजाइन करने के लिए पैकेजिंग किस तरह की होनी है, इस तरह के मॉड्यूल्स भी उसके मोबाइल में मिले हैं। आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और इसमें आरोपी का आज पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है, तो आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसको GR के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। उसने बताया कि वो अभी दुबई में है, वो अभी दुबई नहीं आ रहा है। हम इसके अलावा ये ऑलरेडी उसके खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, इसके अलावा हम और भी जो वैधानिक कार्रवाई बनती है उसको की जा रही है। सर, इसमें और भी कोई आरोपी पड़े हैं? अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नितिन राणा इसका मास्टरमाइंड है, उसके आने पर भी और भी खुलासा होगा। सर, जो चावल जो यहां से लेकर गए, तो चावलों किस तरीके से वहां खपाया, किस कंपनी? देखिए, वहां खपा ही नहीं पाए, क्योंकि कारण क्या था कि वो चावल एयरपोर्ट पर खड़े रहे, तो ये दोनों एयरपोर्ट पर खड़े रहे और वहां पर वो रिसीव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पेमेंट नहीं किया था, क्लियरेंस नहीं मिला था। तो उसके बाद वो वहीं जब खड़े रहे तो वहां वो चार्जेज होते हैं एयरपोर्ट के, तो उसमें जब लंबे समय तक कोई लेने नहीं आया तो उसको फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उसको सेल कर दिया गया और अपना जो टैक्सीज होते हैं वो निकाले गए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।